दिस इज़ द केस बिटवीन वॉकर एंड ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी जो हुआ था एटीन नाइन्टी में आइए इसके बारे में जानते हैं फैक्ट्स फैक्ट्स ऑफ द केस जानते हैं सो so, यहाँ पर क्या हुआ था एक प्रेगनेंट वुमेन इंजर्ड हो गई थी एक रेलवे एक्सीडेंट में ठीक है एक प्रेगनेंट वुमेन वॉज इंजर्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट जिसकी वजह से जो पेट में बच्चा था वो डिफॉर्म्ड पैदा हुआ ठीक है अब बात करते हैं प्लेंटिव के क्लेम की यहाँ पे प्लेंटिव कौन होता है यहाँ पे प्लेंटिव वो बच्चा होता है वो जो डिफॉर्म पैदा हुआ होता है ना वही केस फाइल करता है यहाँ पे एक इन्फेंट भी केस फाइल कर सकता है आ, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के थ्रू गार्जियन के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे वो बच्चा केस फाइल करता है जो डिफॉर्म पैदा हुआ था ठीक है तो प्लेंटिव का क्लेम क्या था वो क्या कहना चाहता था कि वो जो बॉन्ड हुआ है क्रिपल्ड एंड डिफॉर्म्ड, वो हुआ है बिकॉज ऑफ द रेलवेज नेग्लिजेंस ठीक है वो जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा हुआ है वो एक्सीडेंट रेलवे की गलती की वजह से हुआ था इसीलिए उस बच्चे को कंपनसेशन मिलना चाहिए बाय द डिफेंडेंट डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे यहाँ पे डिफेंडेंट है ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी ठीक है यहाँ पे कोर्ट का क्या डिसीजन होता है यहाँ पे कोर्ट ये हेल्प करता है कि प्लेंटिफ जो कि वो डिफॉर्म्ड चाइल्ड है वो मेंटेन नहीं कर सकता एन एक्शन फॉर डैमेजेस, ठीक है मतलब उसको जो डैमेज हुआ है उसके बदले उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता ठीक है और ये जो डिसीजन था वो बेस्ड है ऑन द ग्राउंड दैट देर वॉज नो ड्यूटी ऑफ केयर टू एन अनबॉर्न पर्सन मतलब कोई पर्सन जो पैदा ही नहीं हुआ है उसके प्रति किसी की कोई ड्यूटी नहीं है दैट मीन्स रेलवे कंपनी की कोई ड्यूटी नहीं थी टू एन अनबॉर्न पर्सन ठीक है यहाँ पे ये हेल्ड होता है सो so, इस केस से क्या कंक्लूजन निकल सकता है इस केस से ये कंक्लूजन निकलता है कि एक इन्फेंट कैन नॉट स्यू फॉर इंजरीज सस्टेन्ड एनवेंटरे सामेरे दैट मीन्स जो इंजरीज उसने सस्टेन है व्हेन ही वाज इन द मदर्स फॉर्म वो जब अपनी माँ के पेट में था ठीक है उस समय अगर उसको कोई इंजरीज हुई हैं तो वो उसके खिलाफ उस डैमेज के खिलाफ उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता ठीक है सो दैट्स इट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वन